हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने कई सारी खबरों के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है पीसीएस के अंदर, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पीसीएस जे और एपीओ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और जो टेलीग्राम बैन हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले की बात है कि टेलीग्राम के जो सीईओ थे उसको अरेस्ट किया गया था, वो भी कुछ बातचीत करने के लिए किया गया था, और उसको भी लगभग छोड़ दिया है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें रेगुलर होती रहती हैं। टेलीग्राम और जो टिकटॉक है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जो टिकटॉक था उस पर हमारी जो जासूसी के चीज़ों के वो आरोप लग रहे थे कई बार, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी का था, टेलीग्राम चाइनीज कंपनी नहीं है। तो ये आप पहले बात ध्यान रख लेना। और टेलीग्राम को हमारे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेजिंग ऐप है। और इसमें जो बैन करने की खबर बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं थी, ये पूरी तरीके से फेक खबर है। तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं तो उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि टेलीग्राम पर हम बैन अभी नहीं लगाने वाले हैं, तो ये खबर फेक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप देख सकते हैं कितने सारे इस मेंबर हैं। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है, @RajkumarChaudhary1, मैं इसका ओनर हूँ, आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पीसीएस प्री की जो कट ऑफ के बारे में। तो सबसे कट ऑफ के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। मैंने कई सारे कट ऑफ कई सालों के कट ऑफ ने आपके सामने ले आया हूँ। क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हैं और मार्क्स वाइज आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ जो 2023 में थोड़ी सी बढ़ गई थी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो बहुत कम थी, 100 से भी कम थी लगभग लगभग। तो ये भी आप देख सकते हो, वैसे स्पेशल पोस्टों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया था, यही वजह थी कि जो पेपर का जो पैटर्न एक ठीक ठाक होने की रेंज में भी होने के कारण भी आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ गई थी। हालांकि अगर इसमें 200 के आसपास का नंबर ऑफ वैकेंसी रहती 2023 में, तो कट ऑफ आपकी वही 85, 83, 86 के आसपास कर होती। ये मैंने आपको एक ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं हम जो है कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले 1000 के आसपास कर हो चुकी है, तो क्योंकि 800 तो कन्फर्म है, 800 तो कन्फर्म है ही निश्चित रूप से। और अभी 2-3 दिन 2-4 दिन पहले की खबर है कि 150 200+ के आसपास कर एआरटीओ की जो वैकेंसी है उसको भी योगी सरकार ने मंजूर कर दिया है। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसके बारे में अपडेट कर दिया था आपको। एक मेरा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव पीसीएस ग्रुप, जो सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहा जैसा पिछली बार है, तो कट ऑफ आपकी 80-85 के आसपास का रहने वाली। तो उसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बना के रखना है, ध्यान रखना है कि पेपर आपको वहीं से आसपास कराएगा। अगर आपने घटना चक्र प्लस लूसेंट कर लिया तो आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 4 बार पीसीएस का प्री निकाला है इन दोनों किताबों को पढ़ के। वो बहुत सारे लोग आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पढ़ना। टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम इतना भी कम नहीं है कि आप चीज़ों को अभी नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं पीसीएस जे के बारे में और एपीओ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीएस जे और एपीओ की इसमें कुछ विसंगति हो रही है, जो आयोग जो शासन की तरफ से अभी पूरी तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन अब वो हो गई है, उनको पूरी तरीके से निस्तारण कर दिया शासन ने। तो यही वजह थी कि मैं पीसीएस जे और एपीओ पर कुछ नहीं कह रहा था। मैं यही बोलता था कि अभी शासन की तरफ से इसको मंजूर नहीं किया है, कुछ गड़बड़ियाँ थी। अभी कुछ मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, कितने पदों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा और कब आएगा। जैसे ही मुझे इसके बारे में अपडेट मिलेगी तो तुरंत मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको 2-4 दिन में इसके बारे में अपडेट करके बता दूंगा, तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कब तक आपका फॉर्म निकलेगा, कब आपका कितनी वैकेंसी पर निकलेगा। दोनों के बारे में बता दूंगा, एपीओ और पीसीजे के बारे में। लेकिन अगर अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका नोटिफिकेशन निकलने के लिए एक जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, वो सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जो पहले सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही थी।
ये मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात बता दी है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।